आप बीती दर्शाता है, और न सिर्फ मेरी आप बीती बल्कि उन तमाम महिलाओं की आप बीती जो रोजाना इस समाज में जजमेंट का शिकार बनती है। मैसेज ये है कि जजमेंट के पिंजरे में हम जब कैद होते हैं तो उस पिंजरे से बाहर कैसे आए, उस पिंजरे के दरवाजे को लात मारकर। तो रोजाना हम क्या करें, हमें खुद पर सुबह शाम आत्मविश्वास करना होगा। लोग हमें रेट करेंगे, जज करेंगे, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे सरेआम, मीडिया को बुला बुला के आओ 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 ये देखो ऐसा बोलेंगे। बावजूद उसके हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा। और ईश्वर कहाँ बसते हैं, हमारे भीतर। ये मैसेज है। Do you feel like फिल्म इंडस्ट्री में डीमोटिवेट करने वाले काफी लोग हैं व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, और जब आप आती इंडस्ट्री में तो ऐसे काफी लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ट्रोल्स हर सेक्टर में होते हैं, मीडिया सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, हर जगह ट्रोल्स बसते हैं। तो उनके साथ हम डील कैसे करें, हमें समझ में आना चाहिए कि वो कौन सी मानसिकता है जो जज करती है, वो मानसिकता से हमें खुद को बचाए रखना है। But still, as of now, entertainment industry में as a woman, what do you feel? Situation कितना बदला है? When you started out and as of now? काफी बदलाव आया है। आज जब कोई हीरोइन लो कट चोली पहनती है या प्रोवोकेटिव लिबास पहनती है तो उसे वैम्प नहीं कहा जाता है, उसे भी हीरोइन ही कहा जाता है। तो सोच में बदलाव आया है, और आप देख सकते हैं कि आजकल कितनी बोल्ड वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं और हम उन्हें देखकर आनंद ले रहे हैं। तो समाज में और समाज की सोच में बदलाव आया है। देखिए क्योंकि मैं खुद किडनी फेलियर से पीड़ित हुई हूँ, इसलिए आज मेरे दिल में उन तमाम किडनी पेशेंट्स जो सुबह शाम किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं उनके लिए एक बहुत खास जगह है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मेरा जो एनजीओ है प्रकाशम फाउंडेशन, उसके चलते उन तमाम ज़रूरतमंद किडनी मरीजों के लिए मैं कुछ करूं, जैसे कि फ्री डायलिसिस उन्हें मुआयना कराऊं। ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं, कोई ना कोई सामने आए और कहे कि हाँ हम इनकी देखभाल करने को तैयार हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो कदम उठाऊं। असली तो बनना चाहे पर चाइना का नकली तो माल, कल तक खुश था बहुत आज खुद पर ही है मलाल। क्यों मेरे लाल जा पूछ जाके खुद से सवाल, जो करता कुछ खुद से तो बेड़ा आज मचता बवाल। यूं ही ना कलम ये मेरी बेहाल, लिखती हूँ थोड़ा सा कड़वा तभी तो कागज ही शब्दों से मेरे हलाल। ये करते हैं जज, ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ लगते गलत। देखिए मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो मेहरबान हैं, कदरदान हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप किसी को जज ना करें। जजमेंट करना बहुत आसान होता है, ये कहना कि अरे ये कैसी दिखती, ये कैसा चलती, ये कैसा बोलती, बहुत आसान होता है जज करना। लेकिन जो जजमेंट का विक्टिम बनता या विक्टिम बनती, ज़रा जाकर उससे पूछो वो कैसा महसूस करते। तो मेरे ख्याल से इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें सेंसिटिव बनना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और जो कोई हमें जज करे, हम उससे पूछें अबे तू कहाँ का तुर्रम खान है, तेरी औकात क्या है बे हमको जज करने के लिए, कौन है तू, अपने गिरेबान में झांक कर देख। तो ये हमारा रवैया होना चाहिए, वरना आए दिन कोई ना कोई डिप्रेशन का शिकार बन सकता है, कोई ना कोई जजमेंट या क्रिटिसिज्म का शिकार बन सकता है।
तो इसलिए हमें इन ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। थैंक यू सो मच। मेरा खुद का एनजीओ है प्रकाशन फाउंडेशन, और इस एनजीओ का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम किडनी पेशेंट्स के लिए कुछ करें, ज़रूरतमंद महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करें और इस समाज को और बेहतर बनाएं। मैम लास्टली, आज के समय में जो फिल्में आ रही हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, एक लिमिटेशन क्रॉस करते हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करते हैं, या यू नो एक चीप पब्लिसिटी स्टंट चलाते हैं, वो कहाँ तक गलत मानती हैं आप? देखिए, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के नाम पर अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो इसे मनोरंजन नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। चाहे धर्म कोई भी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जो कोई भी धर्म हो, हमें किसी भी इंसान के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी हक नहीं बनता। तो जो लोग मनोरंजन के नाम पर इस तरह की घटिया घिनौनी हरकत कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। जी धन्यवाद, थैंक यू।